नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी सांसदों की जमकर क्लास ली। मोदी ने कहा कि आपको सांसद बने 2 साल से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन ज्यादातर सांसदों ने अपनी लोकसभा सीट की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी नहीं भेजी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को डांटते हुए कहा कि जल्द ही अपनी लोकसभा सीट की प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन भेजें। इसके अलावा उन्होंने सरकार की योजनाएं और काम को घर घर पहुंचाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने सांसदों को मोबाइल का इस्तेमाल कम करने की नसीहत दी है। मोदी के मुताबिक मोबाइल रिकॉर्डिंग कर पार्टी की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सांसद इस साजिश में ना फंसे अपना उदाहरण देते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने 2005 से मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास बीजेपी सांसदों के लिए काफी ज्यादा उन्होंने नसीहत भी दी, थोड़ा बहुत डांटा भी और कहा कि मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करो और अपने लोकसभा सीटों के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसे जल्द से जल्द मेरे सामने पेश करो। मेरे सहयोगी आलोक से बात करते हैं। आलोक, प्रधानमंत्री मोदी की क्लास एक बार फिर से सांसदों के लिए, क्या नसीहत दी उन्होंने तमाम सांसदों को? और देखिए, जो विकास पर मनाने का प्रोग्राम बनाया गया था उसके तहत तमाम जितने भी मंत्री और सांसद थे उनको अपने अपने इलाके में जाके सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताना था। तो कई सारे मंत्री सांसद अपने इलाके में जाकर ये काम करते हुए दिखे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस तरह का भी आयोजन नहीं किया है। तो उन लोगों की क्लास लगाई गई इस सुबह की बैठक में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट बताएँ कि क्या विकास पर्व के दौरान क्या क्या उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ बताई, अपने इलाके का रिपोर्ट बताया। साथ ही साथ जो तिरंगा यात्रा आने वाले दिनों में होने वाला है उसको लेकर तमाम जो सांसद और मंत्रियों को कहा गया है कि तिरंगा यात्रा अपने अपने इलाकों से निकालें, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसकी भी रिपोर्ट ली। और साथ ही साथ जो ये मोबाइल यूज़ करने वाली बात आ रही है इसको लेकर भी मोदी ने एक बार सभी सांसदों को चेताया कि मोदी जो ये मोबाइल का इस्तेमाल है ये काफ़ी ज़्यादा करने से परेशानी होती है, और इस तरह से जो मोबाइल का इस्तेमाल अगर कम से कम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे कई तरह की जो परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है और समय का बेवजह नुकसान भी होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि मोदी नरेंद्र मोदी ही लगातार अपने मंत्रियों को सांसदों को कहते रहें कि वो सोशल मीडिया से जुड़ें, प्लेटफॉर्म पर जुड़ें और तमाम डिजिटल जो सोशल मीडियम है उनका इस्तेमाल करके लोगों को सरकार की उपलब्धि बताने की कोशिश करें। तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल करना है इसके बारे में मोदी ने अपने सांसदों को अपने मंत्रियों को बताया। वाकई आलोक, बहुत शुक्रिया। मकसद तो यही था क्लास लेने का कि तमाम जितने भी सांसद हैं वो घरों तक जो प्रोग्रेस है, जो लोगों के मन की बात है वो उन तक जरूर पहुंचाए। चलिए बढ़ते अब आगे। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कश्मीर में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। भावरा से 10 किलोमीटर दूर जोठराडा गांव में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। कहा, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जान की बाजी लगा दी। कश्मीर हिंसा पर पीएम ने कहा कि जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उनमें पत्थर हैं। हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए। आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान भर के लाखों आजादी के दीवानों के लिए है। ये नमन उन सभी महान पुरुषों के लिए है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। मैं आपको नमन करता हूँ। पहली बार कोई प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भाभरा पहुंचे। आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 74 साल बाद उसी ऐतिहासिक दिन 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआत की गई। आज से शुरू हुआ 70 साल आजादी जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम 23 अगस्त तक चलेगा। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की मौत पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। कलिखो पुल का शव आज सुबह ईटानगर में सरकारी घर में पंखे से लटका मिला। 47 साल के कलिखो पुल का शव आज सुबह ईटानगर में सरकारी घर में पंखे से लटका मिला। मुख्यमंत्री न रहते हुए भी कलिखो सीएम हाउस में रह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक कलिखो सीएम पद से हटाए जाने के बाद डिप्रेशन में थे। पुलिस ने खुदकुशी की आशंका जताई है, हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये तो ऐसा, वो बहुत एक काबिल नेता था, युवा नेता था, हमारा भविष्य थे,
बहुत उनका सोच था और ऐसा एक कदम उठाएगा बल्कि कोई सपना में भी नहीं सोचा था। हमारी संवेदना है अरुणाचल के लोगों से, परिवार के साथ और पूर्वोत्तर के साथ। पीएम मोदी ने भी कालिखो पुल की मौत पर दुख जताया। कालिखो पुल की मौत से नाराज उनके समर्थकों ने आज ईटानगर में प्रदर्शन भी किया। कालिखो पुल की अगुवाई में ही कांग्रेस के विधायकों ने नबाम तुकी के नेतृत्व वाली सरकार से बगावत की थी। कालिखो पुल को बीजेपी का समर्थन था, उनके साथ कांग्रेस के 19 बागी विधायक थे। 19 फरवरी 2016 को कालिखो पुल को गवर्नर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पिछली कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया था। कालिखो पुल की जगह पेमा खांडू अरुणाचल के नए मुख्यमंत्री बने थे। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एयरलाइंस ने सस्ते हवाई ऑफर्स की झड़ी लगा दी है। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट ने ग्रेट इंडिपेंडेंस डे सेल निकाली है। इसके तहत आप 9 अगस्त से 11 अगस्त के बीच सिर्फ 399 रुपए के बेस फेयर में सिलेक्टेड घरेलू रूट्स पर टिकट बुक करा सकते हैं, जबकि 2999 रुपए के बेस फेयर में अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर टिकट बुक कराई जा सकती है। टिकट पर सरचार्ज और टैक्स अलग से देना होगा। स्पाइसजेट का ऑफर नॉन स्टॉप इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर उपलब्ध है। इस ऑफर के तहत 18 अगस्त से 30 सितंबर के बीच यात्रा की जा सकती है। हालांकि ये ऑफर लिमिटेड सीट्स पर ही उपलब्ध है। ये ऑफर एक तरफ की यात्रा पर ही अवेलेबल है। जिन पॉपुलर रूट्स पर ये ऑफर उपलब्ध है उनमें अहमदाबाद मुंबई, अमृतसर से श्रीनगर, बेंगलुरु से चेन्नई, बेंगलुरु से कोची, कोयम्बटूर से हैदराबाद, जम्मू से श्रीनगर, मुंबई से गोवा और मुंबई से हैदराबाद शामिल हैं। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय रूट्स में ऑफर जिन पे है वो है दुबई से दिल्ली, दुबई से मुंबई। एयर इंडिया ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सस्ते हवाई टिकट का ऑफर निकाला है। एयर इंडिया मॉनसून सेल में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक बुक कराई जा सकती है टिकट्स। ऑफर के तहत घरेलू रूट्स पर इकोनॉमी क्लास का टिकट 1199 रुपए में बुक कराया जा सकता है, जिस पर 22 अगस्त से 30 सितंबर के बीच यात्रा की जा सकती है। इस फेयर में टैक्स और सरचार्ज शामिल है। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर भी ऑफर निकाला है, जिसके तहत 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच यात्रा की जा सकती है। ये ऑफर रिटर्न फ्लाइट पर उपलब्ध है और जिन अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर ये ऑफर है वो हम अभी आपको टेलीविजन सेट पर दिखा रहे हैं। बढ़ते आगे, रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने अपने आखिरी क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दर तो नहीं घटाए, लेकिन बैंकों को इस बात की नसीहत जरूर दी कि पर्याप्त नकदी के बाद भी वो कर सस्ता क्यों नहीं कर रहे हैं। अपने 3 साल के कार्यकाल को उन्होंने अच्छा अनुभव बताया, जबकि विरोधियों के बारे में कहा कि विरोध तो कामकाज का हिस्सा है। जाते जाते आखिरी पॉलिसी में भी आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन महंगाई के मोर्चे पर डटे रहे। राजन ने महंगाई बढ़ने के जोखिम को देखते हुए कर सस्ता न करने की दलील दी, लेकिन बैंकों पर इस बात के लिए जरूर दबाव बनाया कि वो कर्ज सस्ता करें। राजन ने कहा कि बैंक पर्याप्त नकदी के बाद भी दरें क्यों नहीं घटा रहे हैं। बीते साल जनवरी से अब तक आरबीआई ने 1.5% कटौती की है, लेकिन बैंकों ने 1% से भी कम कटौती का फायदा ग्राहकों को दिया। आरबीआई के दरें घटाने के बाद बैंक तेजी से फायदा लोगों को दे, इसलिए फिर से नियम बदलने पर विचार किया जा रहा है। And my sense is that as this process of cleanup happens, and as the economy recovers and credit demand also picks up, you will see more possibility of transmission. Governor Raghuram Rajan ne ye sanket diya ki aage gunjaish paida hone par RBI zarur raha dega. कर सस्ता ना करने के पीछे उन्होंने खाने पीने की चीजों में महंगाई का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई दर रिजर्व बैंक के मार्च तक 5% के लक्ष्य के लिए खतरा है। साथ में वेतन आयोग की सिफारिशों के असर को भी वो महंगाई के लिए अहम मानते हैं। जीएसटी से महंगाई के खतरे के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इस पर कयास लगाना ठीक नहीं है। अपने कार्यकाल के अनुभव पर उन्होंने कहा कि ये अच्छा रहा, जबकि विरोधों के बारे में उन्होंने कहा कि ये कामकाज का हिस्सा है। At the end of the day, do you feel you've made a useful contribution and that, you know, some people are better off as a result of it? I think from that perspective, this has been a fantastic job. आरबीआई गवर्नर ने एक बार फिर से सभी को भरोसा दिया कि देश में फॉरेक्स रिजर्व का पर्याप्त भंडार है। ऐसे में अक्टूबर से नवंबर के बीच एनआरआईस के डॉलर वाले फिक्स्ड डिपॉजिट खातों की मैच्योरिटी पर डॉलर का संकट नहीं पैदा होगा। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के चलते आज बाजार पर दबाव देखने को मिला। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 97 अंक, निफ्टी 33 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए।
फार्मा और पावर कंपनियों के शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। साथ ही सरकारी और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। टेलीकॉम, तेल, गैस, हेल्थकेयर कंपनियों के शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। पब्लिक सेक्टर बैंकों के टॉप 100 कर्ज लेने वालों पर करीब 14 लाख करोड़ रुपए बकाया है। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने राज्यसभा में दिए लिखित बयान में कहा कि 31 मार्च 2016 तक पब्लिक सेक्टर बैंकों का टॉप 100 कर्ज लेने वालों पर 13,71,885 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंकों के ग्रॉस एनपीए 2013-2014 में 2.16 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2015-16 में 4.76 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। मार्च 2016 में ग्रॉस एनपीए में विलफुल डिफॉल्ट रिस्क का हिस्सा 16.09% था। गंगवार ने कहा कि मार्च 2015 में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के एनपीए 5.43% से बढ़कर मार्च 2016 में 9.32% हो गए हैं।